सत्य वार्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यवार्ता टीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश गुड्डू के समर्थक बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष भीम आजमी अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और घर घर जाकर सभी मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। सुरेश गुड्डू के लिए जनता का इन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। हमने जब जानकारी ली बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष कई आदमी से, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देखा जाए कि विधानसभा चुनाव जोरों में चल रहा है, हर पार्टी के लोग अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम तो पश्चिम विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनके समर्थक बहुजन विकास अघाड़ी जो है कांग्रेस के समर्थक है, हम उनसे जानकारी ले किस तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में। सर कई जानकारी दीजिए, किस तरह यहाँ पे आज आप लोग प्रचार कर रहे हैं, जनता का क्या रिपोर्ट मिल रहा है और किस तरह लोग वोट मांग रहे हो, क्या बोलते हैं वोट मांग रहे हैं? जनता का जो अभी रिपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को जो है काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है यहाँ पर, और लोग के रुझान कांग्रेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है, और यही हम जनता को भी बोलते हुए आ रहे हैं कि हमारा गठबंधन जो हुआ है कांग्रेस पार्टी का, एक विकास को लेकर हुआ है, और विकास पर इंशाल्लाह ताला हमारे विधानसभा उम्मीदवार खड़ा उतरेंगे। क्योंकि देखा है कि मुरलीचर में अभी तक कांग्रेस की सत्ता होने के बाद ही महानगर पालिका में कोई शहर का विकास नहीं हुआ है, कई मतदाताओं से कट रहे हैं, इससे मतदाताओं का किस तरह संभाल ले, उनको क्या आश्वासन देते हैं वोट मांग रहे हो? नहीं, अभी जो जो बिल्डिंग में जाए हम लोग जा रहे हैं तो काफ़ी उस बिल्डिंग पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, और इसी तरह रुझान नहीं रहेगा विकास को लेकर। हमने गठबंधन दिया और हमारे लोग नेता जनरल राहुल साहब ने जो आज कांग्रेस को ये गठबंधन का ये ऐलान किया, इसी विकास की किया कि भिवंडी में भी उनका विकास होना चाहिए, इसलिए हम गुड्डू साहब का पूरा भरपूर साथ देंगे, और जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को सबको घर से घर निकाल के कांग्रेस को वोटिंग करवाएंगे। आने वाले 21 तारीख को मतदाताओं क्या आह्वान करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, पूरे झोंडी वासियों को कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ, और साथ ही एक बार आप उनको भी मौका देके देखिए, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही विकास होगा। आप लोग ने सबको मौका दिया, एक बार हमारे प्रतिनिधि को मौका दीजिए और कांग्रेस पार्टी को। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए सत्यवार्ता टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।